किसी से दो नंबरी नहीं करना, किसी से बदतमीजी, उसकी उसका दिल नहीं तोड़ना। कभी हो जाए बच्चे हो नौजवान हो तो अल्लाह से भी माफी मांगो, उससे भी माफी मांगो। तो ये चीज आपको बहुत खूबसूरत बना देगी, दुनिया के लिहाज से भी, आखिरत के लिहाज से। दुनिया फ्री है, दिल को साफ रखने वाले और जबान पे काबू रखने वाले कोई नहीं मिले। नमाजी वो होते हैं, आलिम वो होते हैं, तहज्जुद गुजार वो होते हैं, हज करने वाले, उम्रे करने वाले बेशुमार हैं, शुक्र है। लेकिन जबान पे कंट्रोल हो, कोई ऐसा बोल ना बोलो जो किसी को दुख दे जाए, और दिल सबसे साफ हो कि जो ज्यादती भी करे तो दिल साफ हो, ये बच्चों बहुत कम। और बाजार का एक लॉ है कि जब जब चीज की कमी होती है तो प्राइसेस अप हो जाती है, ज्यादा होती है तो आम प्राइसेस होती है, कम हो तो जिसके पास होती है उसकी मौज लग जाती। तो पूरी दुनिया की मंडी में जबान पे काबू पाने वाले बराए नाम लोग हैं ही कोई नहीं, और दिल को साफ रखने वाले हैं ही कोई नहीं। आप कर लो तो आपकी कीमत अल्लाह ऐसी लगाएगा कि बड़े बड़े औलियाए कराम भी आपके मकाम पे नहीं आ सके। इंसान को बेइज्जत ना कर। अल्लाह के नबी ने एक अजब बात फरमाया, फरमाया मेरे बेटे अनस, मेरी एक बहुत अजीम शान सुनना थी, उसको अजीम शान का दाढ़ी को नहीं काजीम शान, टोपी को नहीं काजीम शान, आगे ये सब सुन्नत है मेरे नबी की। मेरे बेटे मेरी एक अजीम शान सुन्नत, अगर तूने उस पर अमल कर लिया ना तो तू जन्नत में मेरा साथी हो जाएगा। जन्नत में अल्लाह के नबी का साथ बेटा, ये जन्नत से भी बड़ी चीज, जन्नत तो बहुत छोटी हो जाती है उसके मुकाबले। तो बड़ी चीज के लिए फिर प्राइस भी उसी के हिसाब से होती है। तो अब ने फरमाया कि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, इसमें तुम्हारा जोर लगेगा, ये आसान नहीं है। और वो ये है कि जितने दुनिया में इंसान रहते हैं सबसे दिल साफ कर। मुसलमान नहीं कहा कि जितने दुनिया में मुसलमान रहते हैं उनसे दिल साफ कर, फरमाया दुनिया में जितने इंसान उस दौर में जितने थे आज जितने का, सबसे अपना दिल साफ कर, अपने दिल में किसी के लिए मैल ना आने। ये दो चार काम जिंदगी में, आप अभी नौजवान हैं, जिंदगी आपकी शुरू हो रही है, हमारी शाम हो रही है, आपकी अभी माशाल्लाह दोपहर भी नहीं हुई। तो बेटा ये अपनी जिंदगी का जेवर बना दो, सच बोलना आपके मकाम पे नहीं आ सके। ये दो मुश्किल काम बता रहा हूं लेकिन इसकी आउटपुट बड़ी जबरदस्त, एक इस पे काबू रखना, एक यहां काबू, इधर झाड़ू लगाना है इधर ताला लगाना है, दो काम कर, टूट जाए तो फिर लगा लो, फिर लगा लो, फिर लगा लो, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अल्लाह आपको कामयाबी दे, बाकी अपने फील्ड में मेहनत भी करो, कोशिश भी करो।